राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने इससे भी बहुत सारा वीडियो डाला है, आपने अगर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा को सर्च करके आप उसमें देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी वीडियो इसमें डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। तो दोस्तों, मैंने गृह संबंधी, धर्मशास्त्र संबंधी, पुराणों की कथाएं और वार व्रत आदि के विषय में डाला है, उसे देखें आप और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, आज मैं इसमें साप्ताहिक राशि फल डाल रहा हूँ जो 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक का है। मैं 12 राशियों का राशिफल इसमें डाल रहा हूँ और इसके बाद मैं 2020 का वार्षिक राशिफल सभी राशियों के लिए डालूँगा। इसलिए आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और देखें। दोस्तों, सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह, उसे सबसे पहले जानिए कि यह सप्ताह आपके अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी पेशा करने वालों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी कार्यों को पूरा करने में विवाद हो सकता है। नए वस्त्र और आभूषण पर इस सप्ताह आप अपना धन खर्च करेंगे। इस सप्ताह आपको किसी भी तरह के नए कार्यों को टालना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपकी वाणी से आपको नुकसान भी हो सकता है। संतान संबंधी आपको चिंता होगी। परिवार में किसी के साथ विवाद होने की भी संभावना है। अब वृष राशि वालों के लिए, दूसरी राशि वृष राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह, उसे जानिए। इस सप्ताह आपको माता की ओर से लाभ मिलने की संभावना है। जमीन जायदाद और मकान संबंधी किसी भी काम में आपको इस सप्ताह सावधानी रखने की जरूरत है। अनावश्यक काम में धन खर्च हो सकता है। मन में किसी प्रकार की उलझन भी होगी। निर्णय लेने में आपको परेशानी होगी। कार्य के पूरा न होने से आपका मन उदास रहेगा। सप्ताह के बीच में आप थोड़ा उत्साहित भी होंगे। भाई बंधुओं के साथ किसी कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना है। पेट संबंधी कोई रोग भी आपको इस सप्ताह उभर सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह, नौकरी पेशा करने वालों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय बढ़ाने में का आप विचार कर सकते हैं। विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शुरुआती 2 दिनों के बाद आकस्मिक धन खर्च होने का योग भी है। काम में आपका मन अच्छी तरह लगेगा। स्वभाव में भावुकता रहने के कारण आप मानसिक बेचैनी का भी अनुभव करेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। महिला मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सप्ताह के आखिरी चरण में पदोन्नति का भी आपका योग है। कर्क राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह कि कोर्ट कचहरी के काम में आपको इस सप्ताह सफलता मिल जाएगी। अगर कोर्ट कचहरी में कोई न्याय आपका लटका हुआ हो तो आपको उसमें इस सप्ताह सफलता मिल जाएगी। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और प्रगति भी करेंगे। सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तभी सफलता मिलेगी। सप्ताह के आखिरी में किसी उलझन के कारण सही निर्णय लेने में आप दिक्कत महसूस करेंगे। सही निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। अब सिंह राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह, उसे जानिए कि सप्ताह की शुरुआत में आपको निराशा होगी। काम में मन थोड़ा कम लगेगा। कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है। स्वभाव में थोड़ा जिद्दीपन रहेगा। कार्य क्षेत्र में किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप पूरी जोर आजमाइश करेंगे। स्थिर अस्थिर विचारों के कारण कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों को इस सप्ताह थोड़ी परेशानी होगी। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर भी रहने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह, कन्या राशि वाले जातक
जो नौकरी पेशा में संलग्न हैं उन्हें काम में मन थोड़ा कम लगेगा, मन भी विचलित हो सकता है, अनावश्यक कार्यों में धन खर्च होगी, लेकिन इस अवधि में विदेश यात्रा के प्रयास आपके सफल भी होंगे। सप्ताह के दूसरे चरण में सभी काम आसानी से आपके पूरे होंगे और विवाहित जातकों के रिश्ता भी तय हो सकता है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी यह आपके लिए अच्छा समय है, इसमें आप कोई नया काम शुरुआत कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि होगी, लेकिन पैसों की लेन देन और जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए इस साल काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। सप्ताह के आखिरी में किसी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए क्या कहता है इस सप्ताह? सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी परेशानी भरी होगी, लेकिन बाकी चरण आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। दृढ़ विश्वास के साथ आप किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। संतान संबंधी आपको चिंता हो सकती है। नियमित कार्यों को छोड़कर आपका ध्यान मौज मस्ती में ज्यादा जाएगा। आप पर नकारात्मक विचार भी हावी हो सकता है। धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। सप्ताह का आखिरी चरण में आप व्यापार बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहता है इस सप्ताह? नौकरी पेशा करने वाले जातक के काम से अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। किसी लंबी यात्रा पर जाने के भी आपके योग हैं। धन लाभ की पूरी संभावना है। कोई नया काम भी आपका इस सप्ताह शुरू हो सकता है। मित्रों से बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी होगी। परिवार में बड़ों से प्रशंसा मिलेगी। किसी बात को लेकर स्वजनों से विवाद भी होने की संभावना है। सप्ताह में के अंत में आपका ध्यान अध्यात्म की ओर रहेगा। शरीर में आलस्य भी रह सकता है। बीमार जातकों की तबीयत ठीक होगी। अगर आप बीमार हैं तो इस सप्ताह आप ठीक भी हो जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए क्या कहता है इस सप्ताह? कि सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी, लेकिन दूसरे चरण में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। व्यापार अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात फायदेमंद होगी। पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात इस सप्ताह हो सकती है। आमदनी में भी वृद्धि होगी। एकाग्रता का अभाव होने से सप्ताह के बीच में काम में आपको मन नहीं लगेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आप न उलझें, यही आपके लिए फायदेमंद होगा। सप्ताह के अंत में आप के ऊपर नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह? इस सप्ताह आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ का जोग भी बनेगा। वाहन के पीछे धन भी आपका खर्च हो सकता है। किसी के साथ बेहतर संबंध बन सकते हैं। शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में निकटता बढ़ेगी। मामा की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। उत्साह में कमी आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मध्यम है। सप्ताह के आखिरी में सहकर्मियों से अच्छे संबंध रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह? कुंभ राशि वाले, शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। प्रतिस्पर्धियों से वाद विवाद भी आपका हो सकता है। नए वस्त्र और आभूषणों की आप खरीदारी करेंगे। आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे और उससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। बौद्धिक कार्यों में आप सक्रिय रहेंगे। स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। इस सप्ताह लंबी यात्रा को टालना आपके लिए बेहतर है। आप लंबी यात्रा इस सप्ताह न करें तो ही अच्छा है। विदेश में रहने वाले मित्रों से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। पानी से खतरा आपको हो सकता है, इसलिए आप जलाशयों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जलाशय को दूर रखें, जलाशय से आप दूर रहें। सप्ताह के आखिरी चरण में आपका काम बिना अवरोध के पूरे होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए क्या है इस सप्ताह, उसे जानिए।
नकारात्मक विचारों को दूर रखें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आकस्मिक धन लाभ का भी योग आपका बन रहा है, लेकिन अनावश्यक कोई बड़ा खर्च भी आपका आ सकता है। परिवार में किसी की उन्नति के समाचार आपको मिल सकते हैं। पुराने मित्र के साथ आपकी मुलाकात होगी। कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम आप बनाएंगे। आपका ध्यान अध्यात्म की ओर अधिक रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बनता काम बीच में ही आपका बिगड़ जा सकता है। तो ये है दोस्तों 12 राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा आप सर्वप्रथम उसको देख सकें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे।